और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके लिए पहुंचे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे और इस अगर दौरे को देखें, ब्रिक्स सम्मेलन को देखें तो कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंच चुके हैं चीन के श्यामन में और वहां फिलहाल कई देशों के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है। हमारे साथ इस वक्त एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ गई, सीधा वहां से रुख कर लेते हैं। आंचल आनंद, पहुंच चुके हैं ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल शरीन, अभी कुछ ही देर पहले उनका फोटो ऑफ हुआ है, रेड कार्पेट से वॉक डाउन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। अब सबसे अहम तो बात ये हो जाती है, देखिए अभी इसके इमीडिएटली बाद रिस्ट्रिक्टेड और प्लेनरी सेशन होता है। ये वो वक्त होता है जब पांच देशों का ये समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांच देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो इकट्ठे बैठेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इकोनॉमिक टाइज को लेकर, कोऑपरेशन को लेकर, समन्वय और समझौतों को लेकर तो बात होती है, लेकिन सबसे अहम भारत के नजरिए से देखा जाए, जो भारत स्पष्ट कर चुका है वो ये कि आतंकवाद का मुद्दा यहाँ पर उठाया जाएगा। हम जब ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो बिना आतंकवाद खत्म किए आगे बढ़ना मुश्किल होता है, तो भारत के लिहाज से एक बात ये है। दूसरी बात जो अहम हो जाती है शरीन, जिस पर नजर रहेगी, कि शी जिनपिंग के साथ हमारे सूत्र बताते हैं कि कल बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होगी भारत की, तो ऐसे में मोदी और शी जिनपिंग के बीच में क्या बातचीत होगी। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि डोकलाम का मुद्दा, वो पिछले हफ्ते जो रिजॉल्व हुआ था, उसको छेड़ना या उसको टच अपॉन करना भी नहीं चाहते हैं दोनों राष्ट्र। ऐसे में फॉरवर्ड लुकिंग बातचीत होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और किस तरह से समन्वय आगे बढ़ाया जाए, कई ऐसे मुद्दों को लेकर उसको लेकर बातचीत होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर बातचीत होगी शरीन। तो ये दो प्रमुख चीजें हैं जिस पर हम सबकी निगाहें रहेंगी शरीन। बिल्कुल आंचल, जैसा कि आप खुद ही बता रही हैं कि ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करें, दो महीने तक डोकलाम विवाद पर चीन की तनातनी किस तरीके से रही ये सबने देखा और अब हालांकि वो मामला निपट चुका है, उस पर सहमति बन चुकी है, सेना दोनों वापस हो चुकी है, आतंकवाद पर भी बातचीत होगी, लेकिन आतंकवाद की अगर हम बात करें, पाकिस्तान किस तरीके से भारत में आतंकवाद को फैलाने की कोशिश लगातार करता रहा है लेकिन चीन उसका सहयोगी रहा है, हमेशा हर चीज में सपोर्ट करता है, तो ऐसे में ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और क्या वो चीजें जो है, अगर हम बात करें, पाकिस्तान किस तरीके से भारत में आतंकवाद को फैलाने की कोशिश लगातार करता रहा है लेकिन चीन उसका सहयोगी रहा है, हमेशा हर चीज में सपोर्ट करता है, तो ऐसे में ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और क्या वो चीजें जो गौर करने वाली बात होगी? अब बिल्कुल शरीन, अगर इसको बहुत ही अहम बात ये है कि भारत की तरफ से भारत प्रधान, मतलब पिछले हफ्ते अगर आप टाइमलाइन देखें, पिछले हफ्ते सोमवार को डोकलाम इशू बोला जाता है रिजॉल्व हो गया है, दोनों सेनाएं आपसी सहमति से पीछे हटना शुरू हो जाती हैं, मंगलवार को इस बात की औपचारिक घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए श्यामन यहां पर आएंगे और उसके दो दिन के अंदर अंदर जो चीन की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से बयान आता है कि हम नहीं चाहती कि भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाए क्योंकि ये एक मंच वैसा नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से कैटेगोरिकली ये बात सामने आ चुकी है कि आतंकवाद एक ग्लोबल मेनेस है, पाकिस्तान एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, ऐसे में भारत के लिए ये एक कोर इशू है और ये स्कर्ज ऑफ टेररिज्म, कल जो ईस्ट फॉरेन अफेयर्स की जो ईस्ट सेक्रेटरी हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा कि स्कर्ज ऑफ टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ ना सिर्फ भारत को बल्कि तमाम देशों को अफेक्ट करता है और अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस मुद्दे को उठाना होगा। ऐसे में पाकिस्तान मेंशन होगा इस प्लेनरी सेशन के बाद और जो स्टेटमेंट आएगी पांचों देशों की, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी उसके अंदर पाकिस्तान मेंशन होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर बात है कि भारत अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाहता है और ये मुद्दा बड़े ही जोश के साथ यहाँ पर इस मंच पर भी ब्रिक्स सम्मेलन में उठाने जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री का जो स्टैंड है वो क्लियर है, आतंकवाद पर बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका आंचल आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, इंडिया न्यूज हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा।